नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने निकाली रख दिया दाखिल खारिज के लिए जरूरी कागजात की सूची, अब होगी अंचलों में भी। बिहार बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहित करेगी सरकार। चैती छठ और रामनवमी पर सुरक्षा रहेगी सख्त। आज से बदल जाएंगे कई नियम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने निकाली रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने हेड टीचर के कुल मिलाकर 44,506 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, BEd, BT, BEd, BSc Ed, BLed और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 22 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार विधान परिषद के 200वें सत्र का हुआ समापन। लगभग एक महीने से चल रहे बिहार विधान परिषद का बजट सत्र बीते दिन समाप्त हो गया। इसी के साथ ही विधान परिषद के 200वें सत्र का समापन भी हुआ। मिली जानकारी के अनुसार सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस दौरान कहा कि सत्र में 22 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें 1030 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि 922 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें 434 प्रश्न का उत्तर दिया गया। इस सत्र में 158 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 97 सूचना का उत्तर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह 200वां सत्र था और बहुत अच्छे तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग से इसे चलाया गया। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी लेखक और आलोचक थे। वो हिंदी के नकेबाद आंदोलन के 3 पुरस्कर्ताओं में से भी एक थे। नलिन जी का जन्म भारद्वाज गोत्र के सरयू पारीन ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1972 माघ शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार 18 फरवरी सन 1916 ईसा को संध्या 6 बजे पटना सिटी के बदरघाट के पास हुआ था। वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाद्योपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मात्र लगभग 46 साल की आयु में 12 सितंबर 1961 ईसा को अपराहन 1:30 बजे हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। नलिन जी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के निष्णांत विद्वान थे, साथ ही फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया था। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। दाखिल खारिज के लिए जरूरी कागजात की सूची, अब होगी अंचलों में भी। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद को कम करने में बिहार सरकार लगी हुई है। यही कारण भी है कि बिहार में दाखिल खारिज के लिए जरूरी कागजात की सूची को अब अंचलों में टांगने का आदेश दिया गया है, जिसके तहत ही विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि दाखिल खारिज के लिए जिन कागजात की जरूरत होती है उसकी सूची अंचल कार्यालयों में टंगी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसे देखकर सभी जरूरी कागजात के साथ भी आवेदन करेगा। उसके बाद भी अगर कागज की कमी दिखाकर आवेदन रद्द हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आवेदनों के निष्पादन के लिए समय सीमा तय है, लेकिन कर्मियों की कमी के कारण ही बाधा आ रही है। इसे दूर करने के लिए राजस्व पदाधिकारी को CO का अधिकार दिया जा रहा है। रोहतास के गुप्तेश्वर धाम गुफा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के प्राचीन शिवलिंगों में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदिकाल से ही होता आ रहा है। इस गुप्त धाम के संबंध में किंवदंती है कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव ने जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखने से ही भस्म करने की शक्ति का वरदान दिया था। भस्मासुर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़े थे। वहां से भागकर भोले यहीं के गुफा में गुप्त स्थान में छुपे थे। भगवान शिव की इस विवशता को देख भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया था। हालांकि गुप्त धाम गुफा की प्राचीनता के बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट को देखकर पुरातत्वविद अब तक यही तय नहीं कर पाए हैं। NIT पटना की छात्रा को मिला करोड़ों का पैकेज। NIT पटना में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही अदिति को फेसबुक की तरफ से हाल ही में 1.6 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार अदिति फिलहाल फाइनल ईयर की छात्रा है। जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही वो फ्रंट एंड इंजीनियर के पद पर काम करेगी। इसके साथ ही अदिति ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अदिति के लिए ये ऑफर गौरवान्वित करने वाला इसीलिए भी है क्योंकि वो
पहली छात्रा बनकर उभरी हैं जो NIT पटना में अब तक किसी भी छात्र को मिला सबसे बड़ा पैकेज जिन्हें मिला हो। इससे पहले अधिकतम पैकेज 50 से 60 लाख रुपए तक के ऑफर दिए गए थे। आपको बता दें कि अदिति मूल रूप से जमशेदपुर की रहने वाली है। चैती छठ और रामनवमी पर सुरक्षा रहेगी सख्त। 2 अप्रैल से नवरात्र पूजा की शुरुआत हो रही है। रामनवमी पर शहर के विभिन्न हिस्सों से शोभा यात्रा और झांकियां निकाली जाएंगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महावीर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अभी से ही चौकन्ना हो गया है। वहीं चैती छठ को ध्यान में रखते हुए करीब 1800 से अधिक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। इसके लिए SSP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों की तरफ से ASP विधि व्यवस्था समेत सभी थानेदारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता कि चैती छठ पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं व्रत रखती हैं और उनके द्वारा गंगा घाटों पर अस्ताचलगामी और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार भी गंगा के 2 दर्जन से अधिक घाटों और तालाबों पर चैती छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। ITI के 1.5 लाख छात्रों को नहीं देना होगा पंजीयन शुल्क। बिहार के सभी ITI कॉलेज में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई नई जानकारी के अनुसार बिहार के लगभग 1.5 लाख छात्रों को अब पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग ने खुद ही आदेश जारी कर दिया है। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से सामान्य श्रेणी के छात्रों से 100 रुपए तो अनुसूचित जाति से 50 रुपए वसूलने का प्रावधान था। हालांकि विभाग के अधिकारी इस आदेश की अवहेलना कर 200 रुपए प्रति छात्र वसूलते रहे। खासकर प्राइवेट ITI में पढ़ने वाले छात्रों से अनिवार्य रूप से 200 रुपए की वसूली हो रही थी, जिसके बाद ही अब ये निर्णय लिया गया है। बिहार बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहित करेगी सरकार। बीते दिन ही बिहार बोर्ड की तरफ से एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम करते हुए सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, जिसके बाद ही अब टॉप करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करने की तैयारी हो रही है। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सरकार मैट्रिक स्तर पर मेधा को प्रोत्साहित करने के लिए फर्स्ट टॉपर को 1 लाख रुपए देने जा रही है। इसके अलावा फर्स्ट टॉपर को लैपटॉप और किंडल ई-बुक रीडर भी प्रदान करेगी। सेकेंड टॉपर को सरकार 75,000 रुपए, एक लैपटॉप और किंडल ई-बुक रीडर देगी। थर्ड टॉपर को सरकार 50,000 रुपए, एक लैपटॉप और किंडल ई-बुक रीडर देगी। बिहार में जल्द ही होंगे निकाय चुनाव। चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में MLC चुनाव का आयोजन जल्द ही होने वाला है। हालांकि बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि विभिन्न कारणों के कारण इसे आगे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद की तरफ से बीते दिन सदन में पेश की गई जानकारी के अनुसार बिहार में जल्द ही निकाय का चुनाव होगा। सरकार चाहती है कि निकाय का चुनाव जल्द हो, इसमें जो अड़चनें आ रही है उसे जल्द समाधान किया जाए। बिहार के मौसम में दिखा बदलाव। मार्च महीने में झुलसाती हुई गर्मी से प्रदेश के लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। पूर्व हवा के प्रवाह और सूरज की तपिश कम होने से राज्य का मौसम सुहावना हो गया। यही नहीं, बीते दिन पूर्णिया सहित बिहार के कई जिलों में बारिश भी हुई। वहीं राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने से तापमान में कभी कमी आई। मौसम विभाग की माने तो 5 से 6 अप्रैल के बीच पूर्व हवा का प्रवाह पूरे प्रदेश में होगा, जिसके कारण तापमान में आंशिक गिरावट होने के साथ ही लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं अभी की बात करें तो राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर सभी भागों में पूर्वा का प्रवाह जारी है। बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ और जलजमाव से होगा मुक्त। हर साल बरसात के मौसम में बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ और जलजमाव से परेशान होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार का ही एक बड़ा इलाका अब बाढ़ और जलजमाव से मुक्त होने वाला है। बिहार में जलजमाव की स्थिति और नदियों के तल में गाद जमा होने की समस्या से जुड़े प्रश्नों के जवाब में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि राष्ट्रव्यापी गाद प्रबंधन नीति बनाने को लेकर सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी बीते कई सालों से इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन लगातार केंद्र की तरफ से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति तैयार करने के अनुरोध पर जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दिसंबर 2021 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंट मैनेजमेंट का प्रारूप उपलब्ध करवाया गया था, जिसका अध्ययन कर विभागीय मंतव्य गठित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बिहार बोर्ड ने की मैट्रिक के परिणाम की घोषणा, इतने प्रतिशत छात्र हुए पास। अपने वादे के अनुसार बीते दिन बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के परिणाम की घोषणा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लैपटॉप पर क्लिक करके रिजल्ट जारी किया, जिसमें ही इस बार लगभग 79.88% बच्चे पास हो गए। वहीं इस बार भी छात्राओं का बोलबाला देखने को मिला। टॉप 5 में 4 छात्राएं ही हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं में औरंगाबाद की रामायणी रॉय ने 97.40 अंकों के साथ टॉप किया है। आज से बदल जाएंगे कई नियम।
आज से नए महीने की शुरुआत हो गई है, यानी कि साल 2022 के अप्रैल महीने की शुरुआत आज से ही है। ऐसे में नए महीने से साथ ही नए नियमों का आना भी लाजमी है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाले इनकम पर लगने वाला टैक्स 1 अप्रैल से लागू हो सकता है। नए वित्त वर्ष में आयकरदाताओं के लिए एक विशेष सहूलियत भी दी गई है कि यदि आप किसी गड़बड़ी या गलती को सुधार कर फिर से ITR भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। आज से राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता द्वारा अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 14% तक NPS योगदान के लिए सेक्शन 80CCD2 के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुरूप होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अप्रैल से आयकर नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। वहीं COVID-19 ट्रीटमेंट के खर्च पर टैक्स से राहत मिलेगी। इसके साथ ही आज से भविष्य निधि खाते के ब्याज में कमाई पर टैक्स लगाने का निर्णय भी लिया गया है। बिहारियों ने बनाए इलेक्ट्रिक वाहनों से दूरी। बिहार में ऊंची कीमत पर कम ट्रैवलिंग पावर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल में बाधा बन रही है। इसके 4 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो बीते 4 साल में केवल 118 इलेक्ट्रिक कार प्रदेश में पंजीकृत हुए हैं। इसमें से ही 100 से ज्यादा पटना DTO में पंजीकृत है। एक बार चार्ज होने के साथ ही महज 250 किलोमीटर की यात्रा की क्षमता के कारण लोग शहर से बाहर ई कार को ले जाने लायक नहीं समझ रहे, क्योंकि 125 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाने के बाद इसका बिना रिचार्ज घर वापस लौटना संभव नहीं है। आलम कुछ यूं है कि प्रदेश में अभी केवल पटना में इलेक्ट्रिक कारें बिक रही हैं। यहां 3 डीलर हैं और तीनों केवल टाटा की कार बेच रहे हैं। इनमें नेक्सॉन और टैगोर 2 मॉडल की कारें शामिल है। बिहार के एक और धन कुबेर इंजीनियर के घर पर दूसरे दिन भी जारी रही छापेमारी। बिहार में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों की भरमार है, क्योंकि इस नौकरी को पाने के साथ ही लोगों को तमाम सुविधाएं भी मिलती है। हालांकि अब अधिकारी सुविधाओं का गलत फायदा उठाने लगते हैं और ये कहना मुश्किल होता है। हालांकि बिहार में बीते कुछ दिनों से भ्रष्ट अधिकारियों की जिस तरह से जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार तो बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की कोई कमी नहीं है, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता मधुकांत मंडल के तिलकामांझी स्थित आदर्श अपार्टमेंट पर निगरानी अन्वेषण विभाग की टीम ने दूसरे दिन भी छापेमारी की, जहां विभाग को कई कागजात मिले। अब ट्रेन से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से पटना। भारत में भी जल्द ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखने को मिलने वाली है, जिससे बिहार भी अछूता नहीं रहने वाला, क्योंकि अगले कुछ सालों में दिल्ली से पटना आने वाले मात्र 5 घंटे का सफर संभव होगा। इतना ही नहीं, दिल्ली से बनारस के बीच का सफर भी अब 3 घंटे 33 मिनट में पूरा हो जाएगा। तेज रफ्तार ट्रेन में चलने का यह सपना साकार होगा। हालांकि इसके लिए अभी लोगों को लगभग 5 से 7 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। अधिकारियों की माने तो दिल्ली से बनारस के बीच 13 स्टेशन होंगे, जबकि पटना तक 14 या 15 स्टेशन होंगे। इनमें 1 स्टेशन दिल्ली में, 12 स्टेशन यूपी में, जबकि अगले 1 या 2 स्टेशन बिहार में होंगे। राबड़ी देवी के बाद अब मुकेश सहनी को तेजस्वी ने दिया झटका। हाल ही में राबड़ी देवी की तरफ से मुकेश सहनी के समर्थन में नहीं आने की बात कही गई थी, जिसके बाद से यह तय था कि अब सहनी की दाल राजद में तो नहीं गलने वाली। वहीं अब तेजस्वी ने भी सहनी को लेकर बयान दे दिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी का रिचार्ज कूपन खत्म हो गया है। अपने उप मुख्यमंत्री काल में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख भी करते हुए उन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपए की लागत से पूरे राज्य में सड़क पुल पुलिया बनाने का काम उन्होंने किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो बेईमानी से बनाई हुई सरकार है। बिहार में 70% उज्ज्वला उपभोक्ता नियमित रूप से नहीं ले रहे सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना से बिहार की लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिला है। बिहार में कुल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं की संख्या अब 101.01 लाख पर पहुंच गई। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि औसतन हर महीने 30.66 लाख उपभोक्ता ही रसोई गैस सिलेंडर ले रहे हैं। जाहिर है 70.35 लाख उज्ज्वला उपभोक्ता रसोई गैस सिलेंडर लेने में अनियमित है। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के तहत 16.13 लाख नए कनेक्शन देने के बाद अब बिहार में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 101.01 लाख पर पहुंच गई। इनमें IOC के 41.23 लाख, BPC के 27.20 लाख और HPC के 32.58 लाख उपभोक्ता है। बिहार LPG वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी है। राबड़ी देवी ने मांगा CM नीतीश का इस्तीफा। बिहार में बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने की चर्चा खूब हो रही है। हालांकि उनको लेकर हो रही इस चर्चा में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इसको लेकर बिहार में जरूर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, जिसके तहत ही बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को गृहमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन में बिहार की जनता के सवाल को उठाया जाता है, लेकिन विपक्ष के विधायकों को मार्शल से बाहर निकलवाना गलत है। यहां डबल इंजन की सरकार है, लोगों को आगे का राह दिखा रहा है। कभी ना कभी किसी की सरकार जरूर आएगी, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा।
विधान परिषद सदस्यों को मिलेगा टैब। बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। मई सत्र के आखिरी दिन यानी कि बीते दिन विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर काम करने में सुविधा हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सदस्यों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में अभ्यस्त करने के लिए उन्हें टैब देने का फैसला भी लिया गया है। सदस्यों को सदन में स्थापित टैब ही दिया जाएगा, इससे घर में रहकर भी सदस्य अपने सवालों का उत्तर देख सकेंगे। यह सुविधा उन्हें ही दी जाएगी जिनके कार्य अवधि कम से कम 6 महीने बची हो। सबसे खास बात यह है कि टैब 3 साल की अवधि तक वारंटी में होगा। आईपीएल 2022 की शुरुआत में ही चमके ये 5 भारतीय घरेलू खिलाड़ी। आईपीएल 2022 का आगाज हो गया है और हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत से भारतीय युवा प्रतिभाओं ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां भारतीय घरेलू खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों ने इसी लीग में परफॉर्म कर टीम इंडिया तक का रास्ता तय किया है। ऐसे में इस साल भी कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो शुरुआत से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन खिलाड़ियों में 35 साल के शेल्डन जैक्सन के साथ दिल्ली कैपिटल्स के ललित यादव का नाम भी है। मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और आयुष बदोनी, गुजरात टाइटन्स के अभिनव मनोहर का नाम शामिल है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 1839 में शुरू किया गया। कोलकाता में बनी संग्रहालय की नई इमारत को जनता के लिए 1878 में खोला गया। सन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी और एक प्रांत घोषित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। इसके लिए अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कानून बनाया था। उड़ीसा को बिहार से अलग करके 1936 में एक नया राज्य बनाया गया। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर क्षेत्र में शुरू हुआ। भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क में चीताओं को बचाने के लिए 1973 में टाइगर बचाओ अभियान किया गया। दूरदर्शन को रेडियो से अलग करके 1976 में दूरदर्शन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय का 1984 में जन्म हुआ। आज ही के दिन को अप्रैल फूल्स डे के रूप में मनाया जाता है। व्हाट्सएप में आए 6 जबरदस्त फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी ने वॉइस मैसेजिंग के लिए कई नए फीचर्स को रोल आउट किया है। इस नए फीचर से यूजर के वॉइस नोट्स भेजने और रिसीव करने का एक्सपीरियंस पहले से काफी बेहतर होने वाला है। वॉइस मैसेज के लिए कंपनी टोटल 6 नए फीचर ला रही है, जिसमें आउट ऑफ चैट प्लेबैक, पॉज या रिज्यूम रिकॉर्डिंग, वेव फॉर्म विजुअलाइजेशन या ड्राफ्ट प्रीव्यू, रिमेंबर प्लेबैक और फास्ट प्लेबैक, ऑन फॉरवर्ड मैसेज जैसे फीचर शामिल है। UAE सिंगापुर में रिलीज होगी द कश्मीर फाइल्स। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की UAE और सिंगापुर में सेंसर की मंजूरी मिल गई है। द कश्मीर फाइल्स कश्मीर में वास्तविक घटनाओं को दर्शाती है। यहां पाकिस्तान के समर्थन से इस्लामी अलगाववादियों द्वारा एक सांप्रदायिक अभियान शुरू किए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ गलत व्यवहार किया गया और अपनी जमीन से भगाने के लिए मजबूर किया गया। अब तक ये फिल्म अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज कर चुकी है। उम्मीद है कि ये भारत के बाद अन्य देशों में भी करिश्मा दिखाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गोल्डू कुमार, गौतम कुमार, कुमार कौशल सिंह, जयप्रकाश सरी, वर्षा झा, दीपक कुमार, शशिकांत स्माइल, बंटू कुमार, नागेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, मुन्ना कुमार, हेमंत मौर्यवंशी, विनय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन आने से पर्यावरण को फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।